जामा मस्जिद जो थी यहाँ फोटोग्राफी हर जगह चल रही है। आप नीचे थोड़ी हम यार, किसने कहा जम्मू से हम भाई जान, आप पैंट बताओ जो नीचे पूरी भाई का बोले भाई है। ठीक ओके थैंक यू भैया। फाइनली बैक इन नदर ब्लॉग। तो अभी हम लक्ष्मी नगर दिल्ली में प्लान बन गया था जामा मस्जिद का, तो हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं वहाँ पर भी। स्टार्ट कर लिया है, अब जब जब फ्री होंगे पक्का करेंगे। तो हमारी बस आ गई है, बस आ गई हमारी। बैठ जा जामा मस्जिद, बस नंबर 348 एंड आई थिंक 347 है। तो वहाँ से डिस्टेंस है यहाँ का आई थिंक 10 किलोमीटर एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है। तो टाइम लिमिट ये आपकी, मैं बस पे 10-12 मिनट लगेंगे, तो बाई मेट्रो भी आप आ सकते हो। तो अभी हम जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने से जा रहे हैं, ये मीना बाज़ार आ गया जहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह करने। यहाँ सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो कंपेरिज़न जो भी दिल्ली की मार्केट है यहाँ बहुत सस्ती चीज़ें हैं। तो मैं आपको फ्रंट का व्यू बताता हूँ, जामा मस्जिद के सामने है अभी ये मार्केट है सामने की पूरी। ये जामा मस्जिद का सामने का गेट है। सो इसकी बाकी साइड भी हैं, वहाँ से भी एंट्री होती है। जो वहाँ वाली साइड है वो तो मैं आपको बताऊँगा उसी साइड अंदर चल के, वहाँ मार्केट है मतलब खाना वगैरह खाने के लिए। तो ये पूरी मीना बाज़ार की मार्केट आ गई। अरे गेट नंबर 2 है ये, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। सो दिस इज गेट नंबर 2। तो यहाँ से एंट्री वगैरह हो रही है। सो ये आगे जामा मस्जिद का गेट नंबर 2, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला मीना बाज़ार आपको मैं दिखा दिया है। अभी हम जामा मस्जिद जा रहे हैं। सो ये जो है आपको सबको पता ही है, मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद जो थी। यहाँ फोटोग्राफी हर जगह चल रही है, पार्किंग वगैरह आई डोंट नो कि क्या हिसाब है, पार्क उन करता है गाड़ियाँ वगैरह। ये आ गई बैक साइड मतलब गेट नंबर 2 की लेफ्ट साइड आ गई ये मीना बाज़ार। आप यहाँ से देख सकते हो जो भी है, ये पूरी एक मार्केट है दिल्ली की बहुत ही फेमस। सामने जो लाल किला बिल्कुल अपोजिट है जामा मस्जिद के, तो वहाँ भी इंशाल्लाह कभी ना कभी आएंगे। सो दिस इज गेट नंबर 2 आप जाओ जामा मस्जिद। हम यहाँ से एंट्री करेंगे अभी, तो ये चलें चलो उतारने होंगे। सबको पता है शूज़ वगैरह उतारने होते हैं क्योंकि मस्जिद है ये दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसको वर्ल्ड रिफ्लेक्टिंग मॉस्क भी कहा जाता है। सो ये आई थिंक 1650s में शाहजहां ने बनवाई थी जो मुग़ल एम्परर हैं। तो इसमें यार हाथ में शूज़ है अभी, मैं शूज़ रखता हूँ कि साइड पे, फिर आपसे बात करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, आई थिंक सैंडस्टोन जो है साथ मार्बल वगैरह लगा हुआ है। तो एक तो यहाँ से ऊपर जो आप टॉप पे देख सकते हो वहाँ पर से अगर किसी को देखना हो व्यू वगैरह, उसके लिए पैसे लेते हैं। अभी लॉकडाउन मतलब कोरोना की वजह से अभी जाने नहीं दे रहे, अदरवाइज पहले जाते थे लोग, वहाँ से पूरा व्यू दिखता था दिल्ली जो भी सिटी का आसपास जो भी है जामा मस्जिद का। तो अभी इसके आसपास आपको मार्केट भी दिखाएंगे। तो आज का हमने सोचा कि जामा मस्जिद का ओवर व्यू बता दें आपको जो भी है, अंदर भी अभी आपको लेके जाएंगे, उसके बाद वहाँ बात करके इंटरनल व्यू बताऊंगा। तो मैं बता रहा था गेट का, तो हम यहाँ से हमने यहाँ से एंट्री ली जो आपको दिख रहा है ये वाला गेट।
सो एक गेट यहाँ वाला है, तो उसका आई थिंक नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है जहाँ रेड फोर्ट जो है उसी साइड है शायद वो। सो एक ये वाला आगे जो मार्केट है यहाँ पीछे, खाना वगैरह कुछ खाने के लिए मुस्लिम मार्केट है यहाँ पर। अपने सामान की खुद हिफाजत करो, सही बात है। तो बाहर चलते हैं मार्केट में, मीना मार्केट थोड़ी सी बता दी है उधर, अब देखते हैं कहाँ का फर्दर प्लान रहेगा। चलना कहाँ है आगे? आगे कुतुब मीनार चलेंगे। कुतुब मीनार अभी पागल है, कुतुब मीनार जाएगा यहाँ से? हाँ चलते हैं। मेट्रो पे इतना टाइम लगता है? नज़दीक है, नज़दीक। कोई कुतुब मीनार नहीं जा रहे हैं, ये झूठ मार रहे हैं, देखते हैं बाहर कहीं जाएंगे। सोचा कि शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ लेना है सामान वगैरह। लेना क्या है? तो ले लेना यहाँ से, पूछ ले। ओए वॉलेट संभाल के रखना वे, मेरे पास वॉलेट ही नहीं है। तू सही बंदा है यार, मेरे पास वॉलेट है कुछ नहीं है, कार्ड ही है। देख लेते हैं कैसे दे रहे हो। 150 का एक, ज्यादा नहीं बोल रहा है। 150 का है, 600 तो लगा। 100 का देंगे वो, पूछ ले। 600 दो चलो, ले लेना, लेना है खेड़ ना भाई, खेड़ है तो फिर ले ले जो है भाई। नहीं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना ना। कितना लगेगा? कितने पीस चाहिए? एक ही चाहिए। 140 दो, नहीं 100 रुपए दो। और नहीं कपड़े दो, नहीं फिर भाई 130 दे दो ना, 120 दो ना। 100 देगा तू, मान जाएंगे, दे दो 100 मान गए फिर हम भी लेते हैं ना। फिर मैं ऐसे कहता हूँ, फिर मैं ऐसे ही बोलूँगा। अच्छा ओए ऑनलाइन पेमेंट है इनके पास? अंकल ऑनलाइन पेमेंट है तो फिर मैं भी लेता हूँ ना। ये भी 100 का है ना? हाँ ये कर दो फाइनल। तू ये ले लेना, ये ले ले, मैं ना ले मेरा ये हो गया है। वाइट भी नहीं लेना अभी, खराब हो जाता मेरा वाइट आई है, जो मर्जी कॉम्बिनेशन ले दो। पैसे देना पकड़, हाँ दे दे। 10-10 वाले अब मेरे पास, तू ले। अब हमारा फर्दर प्लान ये है कि हम सीधा जा रहे हैं घर पे, गर्मी बहुत है, बाकी प्लान हो गए कैंसिल, तो कैंसिल करने पड़े यार, क्योंकि कल भी ऑफ है, वीकेंड तो ऑफ होते हैं हम, तो इसलिए हम अभी वो नहीं करेंगे यार, मतलब अभी घर जाएंगे थक के, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो आगे मिलते हैं आपको जहाँ गाड़ी वगैरह मिलती है हमें। उससे पहले आज के ब्लॉग में आई थिंक जाम मस्जिद हमने एक्सप्लोर करना था, बस वही किया। क्या हो गया? तो सोचा कि मीना बाजार के ऊपर भी एक ब्लॉग होना चाहिए, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ पर मतलब क्या क्या मिलता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पर आपको एक से एक चीज़ जो है आपको सस्ती मिल जाएगी, जो बाहर आप जो भी चीज़ मतलब लेते हो 1000-2000 की, वो यहाँ से आपको 200-300 की मिल जाएगी। तो मेरे साथ जो बंदे हैं वो घूमेंगे, उनको ढूंढना है पहले। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका फ़ोन कभी भी चोरी हो सकता है, वॉलेट और फ़ोन हमेशा बचा के रखना, अभी रिस्क बहुत रहता है यहाँ पर। रश दे सकते हो, बहुत अट्रैक्ट करता है ये मार्केट। तो मिलिए बंदे, मिलिए हमारे साथ। सो किसी को कुछ भी चाहिए हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ होगी वो मत लेना यहाँ इस मार्केट से, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी चीज़ आप ले सकते हो, हाँ कर ले, तू भी कर ले व्लॉग। सो यहाँ से कुछ भी जो भी सामान लेना हो सब ले सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। आप बस आएँ दिल्ली में, जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने है ये, मुझे लगा मुझे बुला रहा है। सो बिल्कुल पूरी एक मार्केट है, आप देख सकते हो, पेंट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स बर्तन कुछ भी लेना हो यहाँ आपको मिल जाएगा। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब बाहर जाके व्लॉग करेंगे, उसके बाद बस रूम में सीधा। हम यार किसने कहा, जम्मू से हम भाई जान, आप पेंट बताओ जो भाई का बोले भाई है। ओके थैंक यू भैया। किधर से आ गए? मतलब कश्मीर वाले वीडियो बनाने आ रहे हैं इधर हैं,
सही है यार, दिल्ली एक्सप्रेस हमने जम्मू से हम यार टैग मिला हुआ यहाँ पे, हम कश्मीर में हैं। सही बात, अगर आप दिल्ली में हो ना, जम्मू से भी हो, मतलब कश्मीर वाले भाई हो आप यार, मतलब हमने हम अब व्लॉग नहीं कर सकते क्या? ये आ गई मेट्रो, यहाँ पर बिल्कुल नियरेस्ट है, जामा मस्जिद के बाहर आओगे तो ये मेट्रो आ गई है। सो अभी हम यहाँ गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, मतलब जिस गाड़ी पे अब जाना है हमने 3:40 जो थी, मैं भूल गया हूँ यार, सो उसका वेट करते हैं तो व्लॉग करेंगे हम रूम में जाके ख़त्म। ज़रूरी है बताना, मेरे साथ एक फ्रेंड था मेरा, तो हम ऐसे शॉपिंग कर रहे थे तो उसके फ़ोन, मतलब उसने ट्राउज़र पहना था, तो किसी बंदे ने फ़ोन निकाल के वहाँ, मतलब साथ में एक रेडी थी कपड़ों की, वहाँ कपड़ों के नीचे डाल दिया। तो मुझे कहने लगा यार फ़ोन मेरा गुम गया, मुझे लगा आप मेरा फ़ोन का कह रहे हैं। तो बाद में हमने देखा वहाँ हमें साथ एक बंदा खड़ा था, तो उससे हमने चेक किया, उसके पास नहीं था। फिर हमें लगा यार, क्योंकि वही बंदा था हमें जिस पे शक गया पूरा, तो उसने कपड़ों के नीचे फ़ोन डाला था। तो उस बंदे का नाम नहीं लूँगा जिसका फ़ोन गुम है, लेकिन अवेयर रहें अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं और चोर बाज़ार में जा रहे हैं तो अवेयर रहें। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब भी आओ थोड़ा सा संभाल के यार, वॉलेट और फ़ोन कभी बैक साइड मत रखना। तो अब हम जा रहे हैं रूम में, वहीं जाके करेंगे कंक्लूड, तो मिलते हैं वहाँ पर आप। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही, तो कैसा लगा आपको व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे व्लॉग्स चाहिए तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।